GMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. Group of Institutions Harper is a top-notch institution in the whole gamut of NCR Delhi. GMS संस्थान KG2PG National Highway 9 हापोड़ो ATMS National Highway 24 अछेजा कट के पास हापोड़ो ओम कॉमेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीर वाली गली हापोड़ो मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापोड़ो जय हिंद जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज़। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शनिवार को गरौड़ स्थित दयाल रिजेंसी में भारतीय जनता पार्टी की विस्तारक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के सभी विस्तारकों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 80 सीटें जीतने का भाजपा का लक्ष्य था। जनता जनार्दन ने उन्हें जो जनादेश दिया वह सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, जिसकी समीक्षा विस्तृत समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी हार को दूसरे दलों पर ठीकरा फोड़ रही है। सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, उनका क्या कहना है प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीट आने पर। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों का हमने स्वागत किया है, सम्मान किया है। अंतिम लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है, जनता ने जो जनादेश दिया हमने सहजता के साथ स्वीकार किया है। और अलग अलग संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आज पश्चिम ब्रज क्षेत्र में जिन लोगों ने चुनाव के समय पूर्णकालिक रहकर संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम किया था, ऐसे विस्तारकों का एक बैठक आज हापुड़ में आयोजित की गई है। और उन लोगों का हम लोग सम्मान, उनके अनुभव किस प्रकार के रहे, उन सारे विषयों को जोड़कर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैंने कहा हम लोग हमारा एक लक्ष्य था, लक्ष्य के साथ जनता के बीच में, और हमारी पार्टी ने अपने काम के आधार पर जो हम लोगों ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में काम किए, 7 वर्षों में राज्य में जो काम किए, उन काम के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी बात जनता के बीच में ठीक से पहुंचा नहीं पाए, रख नहीं पाए, और विपक्ष के लोगों ने जो नकारात्मक एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मिलकर जो भी जनादेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA की सरकार तीसरी बार बनी है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उस
संकल्प को हम लोग पूरा करें। अध्यक्ष जी, एक ये था कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपना पद होते उनके बूथों की भी कोई कितना वोट मिला भाजपा राजनीतिक दल के नाते हमारा एक हमेशा विचार रहा है, एजेंडा रहा है, और हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है। कोई दल किसी के लिए दरवाजे नहीं रोक बंद कर सकता। हम लोगों का ये संकल्प है कि जो विचार के साथ जुड़ना चाहता, मोदी जी के साथ काम करना चाहता, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की विकास यात्रा से आगे बढ़ना चाहता, हम लोगों ने सबका सम्मान किया। समीक्षा हम कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके हम लोगों ने अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लोकसभा में भेजा है, तो उन्होंने बातचीत करके मोटा मोटा एक राय अपनी पार्टी को दी है और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े। अभी आपने कहा कि ऐसा, देखो हम लोग सब सारे विषयों में बातचीत। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, जो अपनी प्रदेश में हार की परफॉर्मेंस को दूसरे दलों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हापुड़ से एटीसी फास्ट न्यूज के लिए बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।